हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल ठेले वाली नूडल्स। अगर आप इस तरह से नूडल्स बनाएंगे तो आप बाजार की नूडल्स खाना भूल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी इसमें पानी जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के नमक डाल देंगे और एक चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। सभी को हम मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे हमारी नूडल्स। फ्रेंड्स, मार्केट में दो साइज की नूडल्स आती है, एक मोटी वाली और एक पतली वाली। हम पतली वाली नूडल्स का यूज़ कर रहे हैं। और जब आप मोटी डालेंगे तो खाली इसमें थोड़ी कुकिंग प्रोसेस देर से होगी। नूडल्स हमारी बॉईल हो गई है। फ्रेंड, नूडल्स को हमको इतना स्टीम करने का है, सॉरी बॉईल करने का है, जैसे कि ये 90% तक पक जाए। खाली थोड़ी सी कसर इसमें बाकी रह जाए। ज़्यादा हमको पकानी भी नहीं है और कच्ची भी नहीं रखनी है, बस 90% तक इसको हमको पकाना है। जैसे हम हाथ से तोड़ेंगे तो वो आराम से टूट जाएगी, और जैसे हम चम्मच में देखो एकदम लिपट गई है, तो मतलब ये तैयार हो गई है। अभी इसको हम एक स्ट्रेनर में हम स्ट्रेन कर देंगे, जैसे कि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। हमने पूरी नूडल्स डाल दी है। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे एकदम ठंडा पानी, जैसे कि जो नूडल्स है उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए और वो खिली खिली बनी रहे। फ्रेंड, बाजार में हम जाते हैं तो वो नूडल्स को एकदम बॉईल करके रख दे, उसकी जो नूडल्स है वो एकदम खिली खिली बनी हुई होती है। अभी एक कढ़ाई में हम दो चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 कली लहसुन की कटी हुई और एक हरी मिर्च हम डाल देंगे। ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से घुमाएंगे। अभी इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था, इसको भी हम चला देंगे। फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पे ही टॉस करेंगे। अभी एक हम 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है गाजर का, जिसको भी हमने लंबा काट लिया था, और 4-5 चम्मच कैबेज की डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप डाल सकते हो, अगर कोई पसंद नहीं हो आप स्किप भी कर सकते हो। 2-3 मिनट के बाद हम इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के विनेगर डाल देंगे, 1 चम्मच हम भर के डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, और 1 चम्मच हम भर के डालेंगे हम रेड चिली सॉस डाल देंगे। और फ्रेंड्स, बाजार जैसा लुक डालने रखना हो तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच हम डालेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और 1/2 चम्मच हम डालेंगे अजीनोमोटो। फ्रेंड्स, हम कभी कभी हम नूडल्स घर पे बनाते हैं तो अजीनोमोटो जरूर डालेगा, इसका फ्लेवर आपको अच्छा लगेगा। अभी जो भी नूडल्स हमने बॉयल की थी उसका मैंने 1/2 पेज अभी हम बनाएंगे, 1/2 पेज हम बाद में हम इसको बनाएंगे। और 1 चम्मच फोर्क की और स्पेचुला की हेल्प से इसको हम ऐसे मिलाएंगे। और फ्रेंड, मार्केट में तो उनको चाइनीज वॉक होती है, तो वो उनका रोज का काम होता है तो अच्छी तरह से टॉस करते हैं, पर हम घर पे बनाते हैं तो हम या तो हम पैन को से दोनों साइड से पकड़ के इसको ऐसे टॉस करेंगे तो अच्छी तरह से हमारी नूडल्स टॉस हो जाएगी। अभी हम नूडल्स को सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।